प्रश्न 26, पी क्यू आर के अंतरंग में एक बिंदु ओ इस प्रकार है कि ओ एम लंब है क्यू आर पर तथा ओ एन लंब है क्यू पी पर, यदि कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री तो कोण एन ओ एम का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 26 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंतरंग में एक बिंदु ओ है, तो पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर, यह है त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंतरंग में यानी अंतः भाग में एक बिंदु ओ है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु ओ है, तो अंतरंग मतलब क्या हुआ, अंदर में, त्रिभुज के अंदर में, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर में अंतः भाग में एक बिंदु इस प्रकार है कि ओ एम लंब है क्यू आर पर। देखिए क्यू आर भुजा यहाँ पे है, तो ओ एम जो है यहाँ पे हम एम नाम दे देते हैं, तो ओ एम क्या है, लंब है क्यू आर पर, ओ एम क्यू आर पे लंब है, तथा ओ एन, देखिए ओ एन जो है क्यू पी पे लंब है, क्यू पी यहाँ पे है तो क्यू पी पे ओ एन लंब है, ओ एन लंब है तो इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको हम यहाँ पे मिला लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं एन, तो ओ एन जो है क्यू पी पे लंब है, ठीक है, ओ एन क्यू पी पे लंब है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि लंब है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री, कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री, तो कोण एन ओ एम यानी इस कोण को ज्ञात करना है, एन ओ एम, देखिए कोण एन ओ एम तो बीच में ओ आ रहा है यानी इस कोण को ज्ञात करना है, तो कोण एन ओ एम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि ओ एम लंब है, ओ एम लंब है क्यू आर पर, अतः कोण क्यू एम ओ, कोण क्यू एम ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए ओ एम जो है क्यू आर पे लंब है, तो ये जो कोण है ये कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कोण क्यू एम ओ, इस कोण को हम क्या कहेंगे, कोण क्यू एम ओ, यानी इस कोण का नाम होगा कोण क्यू एम ओ, तो ये है 90 डिग्री, लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः ओ एन लंब है, ओ एन लंब है क्यू पी पर, अतः कोण, देखिए ओ एन जो है किस पे लंब है, क्यू पी पे यानी इस भुजा पे, तो इस कोण का हम नाम देंगे क्यू एन ओ, देखिए क्यू एन ओ ये कोण 90 डिग्री होगा, तो कोण क्यू एन ओ लिखेंगे 90 डिग्री, कोण क्यू एन ओ बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये दिया हुआ है कोण पी क्यू आर दिया हुआ है, तो देखिए कोण पी क्यू आर यानी इस कोण का नाम क्या है, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो इस कोण का हम दूसरा नाम से भी बुला सकते हैं, मतलब दूसरा नाम इसको हम दे सकते हैं, कौन सा नाम देंगे, तो कोण एम क्यू एन भी हम इस कोण को कह सकते हैं, देखिए एम क्यू एन भी कह सकते हैं इस कोण को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोण पी क्यू आर कहें चाहे कोण एम क्यू एन कहें, ठीक है। तो ये कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्यू एम ओ एन, देखिए क्यू एम ओ एन क्या है, एक चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजा है, Q
क्यू एम एम ओ ओ एन और एन क्यू चार भुजा है इसमें, तो चतुर्भुज क्यू एम ओ एन में यहाँ पे चार भुजा है, तो चार भुजा वाले को क्या कहते हैं चतुर्भुज, तो क्यू एम ओ एन चतुर्भुज क्यू एम ओ एन में तीन कोण ज्ञात हो गया। देखिए ये कोण 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो चौथा कोण हम ज्ञात कर लेंगे कैसे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में से 90 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे तो ये चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब चतुर्भुज QMON में, तो चतुर्भुज QMON में कोण कोण MQN प्लस कोण QNO प्लस कोण NOM प्लस कोण QMO कोण QMO बराबर कितना लिख देंगे 360 डिग्री। तो चतुर्भुज QMON में चारों कोणों को जोड़ करके 360 डिग्री लिख देंगे क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है, जैसे त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसी तरह चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए कोण MQN कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण PQR को हम कोण MQN कह सकते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे MQN के जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे प्लस कोण QNO हम 90 डिग्री हम ऊपर लिखे हैं देखिए क्योंकि लंब है, क्योंकि ON लंब है PQ पर, यानी ON लंब है QP पर, तो कोण QNO कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण NOM हमें ज्ञात करना है तो इसको कोण NOM ही लिख लेंगे प्लस कोण QMO ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि OM लंब है QR पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे तो 60 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 90 180 और 60 कितना होगा 240, देखिए 9 18 6 24 और 1 शून्य दे देंगे यानी 240 डिग्री हो जाएगा, तो 90 60 हो जाएगा 240 जोड़ने पे प्लस कोण NOM लिख लेंगे प्लस कोण NOM बराबर 360 डिग्री इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोण NOM बराबर कितना हो जाएगा, कोण NOM बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, कोण NOM बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो 360 में से 240 को घटा देंगे क्योंकि 240 डिग्री यहाँ पे प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, छः में से चार गया दो, तीन में से दो गया एक, कितना आ गया 120 डिग्री। तो कोण NOM जो ज्ञात करना था उसका मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 26 हल करेंगे। तो कोण NOM देखिए ये कोण कितना आ गया 120 डिग्री, तो ये कोण ज्ञात करना था तो इसका मान आ चुका है